सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो ग्वेनी चैप्टर 1। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह मैंने कितनी मुश्किलों से मैंने भाव काफी सारी चीजें ढूंढी और उसके बावजूद भी हमारा गेम पूरा नहीं हो सका। गजब बेइज्जती है। आज हम लोग कोशिश करेंगे भैया कुछ भी करके हमारा आज गेम पूरा हो जाए। गेम तो पूरा हमारा हो जाएगा बट आप लोगों से तहे दिल से माजत ख्वाहें भैया, क्योंकि ये वीडियो हमारी पूरा एक डेढ़ महीना लेट है भैया, क्योंकि कुछ हमारे घरेलू मसले थे, हम उसमें फंसे हुए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो इंशाल्लाह आज हम वीडियो अपनी कंप्लीट कर लेंगे कुछ भी करके। रन भागो नहीं, ग्रैनी बहुत स्लो आ रही है, हम पहले कुछ ढूंढ लेते हैं। कटिंग प्लेयर यहाँ मिला हम लोग को, चेन कटर मिला, सॉरी चेन कटर मुझे पता है कहाँ यूज करना है। पहले हम जाएंगे ग्रैनी आगे, दोबारा भागना पड़ेगा हमको, नहीं भागना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ग्रैनी पीछे पीछे आ रही है हमारे। अब इतने टाइम से खेल रहा हूँ, इतना तो मुझे आइडिया हो चुका है किस तरह ग्रैनी को चकमा देना। आओ ग्रैनी तुम्हें देखो, आ जाओ ग्रैनी पीछे आ जाओ, जब तक हम अपनी वायर काट देंगे, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास है। ग्रैनी बहुत स्लो स्लो आएंगे हमारे, ग्रैनी भाग नहीं सकती। भागो नहीं, भागना जरूरत भी नहीं भागने की। ग्रैनी आ जाओ, ग्रैनी आ जाओ, ग्रैनी मसला नहीं है क्योंकि इतनी हमें आदत हो चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। आज कुछ भी करके हम लोग को अपना गेम पूरा करना है, ये वाला चीज़ें ढूंढनी है, अच्छी खासी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि हमें बहुत तजुर्बा हो चुका है गेम खेल खेल के, कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, मुझे इतना तो आइडिया हो गया है। बैल घंटी बच चुकी है, ग्रैनी आने वाली है, मुझे ये लेके बाहर भागना पड़ेगा और देखते हैं कि भैया मुझे वेल में से क्या मिलता है आज। विशिंग वेल, वेल विशिंग्स, कुछ अच्छा ही मिलेगा मुझे यहाँ से, इतना कंफर्म है। चलो यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, माँ घंटी बजेगी, ग्रैनी बाहर आ जाएंगी वहाँ से, यहाँ लगा के फटाफट से घुमाना है और कुछ निकलना है, वो देखना क्या निकलना है यहाँ से। क्या मिला है इसके अंदर से? पीस ऑफ गन मेरे ख्याल से, शॉट गन नहीं भाई बल्कि हथौड़ा मिला है हमको, हैमर मिली है। आई नो वेयर आई यूज्ड। सो फटाफट हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से चलते हैं पहले ऊपर, यहाँ से सामने गेट खोल के यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से ये निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है क्योंकि यहाँ में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फटाफट नीचे है को ये हाथ में को ले लिया, आवाज़ होगी ग्रैनी नीचे आने वाली होंगी, यहाँ पर ग्रैनी आती ही होंगी मेरे ख्याल से कुछ देर में। और ये हमें मिला भैया, ये मुझे पता है कहाँ लगेगा, हमें जाना पड़ेगा इसको लेके फटाफट ऊपर, इससे पहले ग्रैनी नीचे आए। ग्रैनी ने अभी बहुत टाइम लगेगा आने में, हम यहाँ से फटाफट ऊपर भाग जाएंगे। नहीं आ रही ग्रैनी, नहीं है, हमें यहाँ से फटाफट ऊपर भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगेगी चाबी इसकी, यहाँ पे ऊपर मकड़ी है, मकड़ी को फूड देना पड़ेगा। अब फूड कहाँ मिलेगा ये नहीं मालूम मुझे, आई थिंक ग्रैनी आ रही हैं यहाँ पे, नहीं ग्रैनी नहीं आ रही हैं। चलो यहाँ से निकलते हैं पहले, फटाफट नीचे भागते हैं, यहाँ से आवाज़ कर दी, अब यहाँ पे ग्रैनी आ जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा ग्रैनी आ जाएंगी, ग्रैनी सामने आ चुकी मेरे, और आते ही उन्होंने जाल भी फेंक दिया था कि आगे फौरन फंस जाऊँ। बट हम शातिर, हमने ग्रैनी को देख चुका है, सॉरी हम ग्रैनी को देख चुके हैं, ग्रैनी ने किस तरह फेंका मैंने आँखों के सामने बिल्कुल। अब फटाफट हमने जाना है नीचे, इन सब कुछ चीज़ें पहले ढूंढनी पड़ेंगी, ढूंढने के बाद आज कुछ भी करके भैया हमें अपना कंप्लीट करना है मिशन, क्योंकि ये गेम हमारा पूरा एक से डेढ़ महीना लेट हो गया है, हमारे चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड नहीं हुई इस टाइम पीरियड के अंदर, इसलिए भैया पूरी कोशिश हमारी होगी कि आज हम कुछ भी करके इसको करें। अरे वाह, वेपन की मिल गई, वेपन की लगाएंगे हम लोग, वेपन की पहले आई थिंक इसको नीचे यहीं चलते हैं, ग्रैनी यहीं कहीं से आ जाएंगी। मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं फंस गया हूँ, निकलना पड़ेगा, नीचे कूद जाते हैं, ये सही रहेगा यहाँ पे निकलने के लिए, बेहतरीन चीज़ है स्पॉट अच्छा हमारा भागने के लिए। यहाँ से भैया नीचे जाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, ग्रैनी को नीचे बुलाना पड़ेगा, इसलिए इस पर फेंकूँगा मैं ताकि ग्रैनी नीचे आ जाए और यहाँ से मैं ऊपर जाऊँ और वेपन की अपनी जगह पर लगा के वहाँ से क्रॉसबो निकालूँ मैं, क्योंकि ऊपर से मुझे क्रॉसबो मिलेगा, क्योंकि वेपन तो वहाँ पर होती नहीं है, खाली वेपन की नाम है इसका, अंदर वेपन नहीं होती, क्रॉसबो होता है। यहाँ सामने लगेगी वेपन की, अंदर से क्रॉसबो मुझे मिलेगा, ये आ गया हमारा क्रॉसबो, ओहो साथ में एक। अब ग्रैनी जैसी आएंगी, ग्रैनी के माथे में मारूंगा ठक्स, ग्रैनी नीचे, ग्रैनी ऊपर घूम रही है, यहीं कहीं ग्रैनी होंगी मेरे ख्याल से, ये सामने ग्रैनी आ गई माथे पे, कोशिश थी माथे में मारूं पर माथे पर लग नहीं सका तो हमने पेट पे मार दिया, आई मीन चेस्ट पे मार दिया, खैर हो गई फिर भी कहीं ना कहीं तो लगा ग्रैनी को। आज लगता नहीं कि मुझे मेरा मिशन कम्प्लीट हो पाएगा क्योंकि चीज़ें मुझे नहीं मिल रही आज, बहुत बेकार बेकार चीज़ें मिल रही जिससे मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। यहाँ क्या रखा हुआ है बस यहाँ चेक करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए यहाँ से, ओहो पार्ट ऑफ शॉटगन मिला है यहाँ से मुझे। ब्रदर्स आप लोग यहाँ वेट करें, मैं बस सही जगह पे इसको रख कर आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में आया, ज़्यादा नहीं। सो दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ मैं इसको रखना चाहिए, अपने इसी जगह पे इसको रख दिया शॉटगन के पार्ट को। अब और भी कुछ मिल जाए, यहाँ क्या रखा हुआ है, शॉटगन का पार्ट है, बेहतरीन चीज़ अच्छी बिल्डिंग है, बस एक पार्ट मुझे और चाहिए शॉटगन का, जो पीछे होता है वुडन वाला एरिया मुझे वो चाहिए, फिर शॉटगन मेरी रेडी है, फिर ग्रैनी के माथे में मारूंगा शॉटगन से और ग्रैनी बेहोश।
इसको अपनी जगह पे रखें पहले। सबसे पहले भैया जी ऐसी नहीं, इसको नीचे रख देते हैं। मैं पहले सोचा इसको यहाँ फेंक दूँ, बटने का नहीं यार, इसको नीचे रखते हैं आराम से अपनी जगह पे, ताकि आगे पीछे ना हो, भागने में आसानी हो, क्योंकि आज कुछ भी करके हमने भागना है यहाँ से, फरार होना है। आई थिंक वैनी आ रही है, नहीं आवाज़ तो नहीं आ रही वैनी की, नहीं वैनी नहीं है, ठीक है। बुक 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 ऊपर जाएगी, बुक ऊपर जाएगी, मालूम है मुझे बुक्का रखनी है, बुक रखी जाएगी यहाँ पे। बुक को मैं रखते हैं, अब हमें देंगी चाबी, इससे हमें चाबी मिलेगी। ये क्या रखा है? अरे भाई रिमोट, नीचे कुछ होगा, इलेक्ट्रिक जो रूम है जिसका इलेक्ट्रिक ड्रॉ है। अरे ग्रैनी आ गई, जब तक ग्रैनी नीचे आएंगी मैं खोल सकता हूँ इसको, मैं फटाफट खुल जाए पार्ट टू वन। अरे वाह, अरे 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 ग्रैनी बहुत स्लो है आपस की बातें, वैसे यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ। ग्रैनी आ गई, ग्रैनी 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 ग्रैनी, फटाफट जाके मैं निकालता हूँ उसके क्या रखा हुआ है। पर ये आवाज़ करेगा, खैर हो गई, आवाज़ करते तो करे, इतने मैं सामान निकाल लूँगा यहाँ से मैं, ठीक है। बैटरी पड़ी हुई थी मेरे, शायद बैटरी थी। ग्रैनी ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी का एक और चक्कर लगवाता हूँ ताकि ग्रैनी मेरे पीछे से हटे, मैं अंदर जाके दोनों चीज़ें निकालूँगा। अंदर स्प्रे पड़ा हुआ था और बैटरी पड़ी हुई थी, अंदर दो चीज़ रखी मैंने देखी अभी, इससे आवाज़ आएगी बट फिर भी फटाफट निकालना पड़ेगा। ग्रैनी सब मेरे पीछे लगी हुई हैं, आवाज़ें आपको आ रही होंगी, इसको यहीं फेंको फिलहाल, यहाँ से जाओ पहले इसको फेंको ताकि ग्रैनी नीचे आ जाए, हम यहाँ से वापस ऊपर जाते हैं, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। बस ग्रैनी यहाँ से नीचे आ जाएंगी, हमारी ग्रैनी भी नीचे होंगी, फटाफट जाके देखता हूँ। अरे नहीं, ग्रैनी सामने खड़ी हुई है, अरे ग्रैनी आ रही है, आ जाओ ग्रैनी, आ जाओ ग्रैनी, कोई मसला नहीं, हम सब कौन सा गेम खेलते हैं। मैं बैठ का गया, शिट, जितना मैं कॉन्फिडेंस था सब बेकार कॉन्फिडेंस था मेरे पास। चलो मैं चाबी लेता हूँ, पहले मैं चाबी लो, की दो ना, ये कीज लगानी पड़ेगी मुझे नीचे। अरे ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी, ये कहाँ से आ गई ग्रैनी, अचानक आई ग्रैनी। खैर हो गई, हम जाके चाबी लगाते हैं सबसे पहले, अपनी चाबी लगी, ये खुला, यहाँ पे चाहिए हमें कटिंग प्लेयर सबसे पहले, तो कटिंग प्लेयर भी यहाँ रखा जाएगा, और आई थिंक पेचकस वगैरह भी चाहिए मुझे। और एक ग्रैनी नीचे वो भी पड़ा हुआ मेरे पैर में फंसे, बस कटिंग प्लेयर के बाद में रखूँगा, क्योंकि एक दो भी वायर्स हैं जो मुझे वायर काटनी ब्लू वाली, उसके बाद मैं इसको रखूँगा यहाँ पे। अब जैसे कि अली वायर है आई थिंक ऊपर, शायद मैं काट चुका हूँ या नहीं काट चुका हूँ, जैसे याद नहीं आ रहा मुझे, वो जो दरवाजे पे लगी हुई है। अरे ग्रैनी आ रही हैं, ये लग जाएगी आराम से, जब तक ग्रैनी आएंगी वह भाग जाएंगे यहाँ से, फरार हो जाएंगे। यहाँ में चाहिए, आई नीड इंजन पार्ट, इंजन का पार्ट भी चाहिए, अब इंजन पार्ट ढूंढना पड़ेगा मुझे। ग्रैनी आ गई, ग्रैनी हाय ग्रैनी, हाउ वाज योर डे ग्रैनी, ग्रैनी अब आराम से घूमे, मैं ऐसे भाग रहा हूँ ऊपर में फटाफट, बाय ग्रैनी, अल्लाह हाफिज़। जाना पड़ेगा पहले ऊपर जहाँ मकड़ी है, वहाँ भी एक वायर और है, मुझे वायर काटनी। अरे बट इसके लिए चाहिए मेरे को पहले हथौड़ा, ताकि मैं अंदर जा सकूँ और यहाँ पे लगा सकूँ, क्योंकि ये साइड गिर जाएगी। पहले ग्रैनी को आवाज़ कर देता है ग्रैनी ऊपर है, ताकि अगर मैं यहाँ से इंजन जंप मारता हूँ तो मुझे ग्रैनी ना मिले। ब्रदर, जब मैं लास्ट में यहाँ छुपा था तो ग्रैनी आ गई थी अचानक ही, और नीचे जब मैं जैसे ही कूदा नीचे, ग्रैनी ने मुझे आशीर्वाद दिया। अरे ग्रैनी आ गई, अब मैं यहाँ से आराम से कूद सकता हूँ। अब मुझे जाना है उस काओकाओ के पास, क्योंकि वहाँ पड़ा हुआ है मेरा हैमर, वहाँ से अपना मुझे हैमर लाना है, हैमर हमारा मिल चुका है। अब यहाँ से जाऊँगा डायरेक्ट मैं ऊपर, ग्रैनी की नज़र से बचते बचाते ऊपर आ गए हम फाइनली। अब यहाँ पे हमने लगाना है, बस आवाज़ ना आए, क्योंकि मैं इसका पैलक निकालूंगा और आवाज़ आएगी, ग्रैनी ऊपर आ जाएंगे, इतना मुझे आइडिया है। ग्रैनी आती आने वाली होंगी, मुझे चुपना पड़ेगा फ़ौरन। और ग्रैनी आ रही हैं, आ रही हैं, ग्रैनी आ रही हैं, साउंड बताता है ग्रैनी का, ग्रैनी आ रही हैं, देखा तो नहीं आ रही, मेरे पास ही आ रही है। नाइन 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 नहीं, ग्रैनी खामोश है, ग्रैनी ने अभी तक देखा नहीं मुझे, ग्रैनी वापस जा रही है। बैक टू द मिशन, वापस बाहर निकलेंगे और चेक करेंगे यहाँ में क्या मिल रहा है, इसके अंदर क्या है, इसमें कुछ भी नहीं मिला हमें, ठीक है डन है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं, इसके अंदर क्या है निकाल। अरे वाह, कटिंग प्लेयर, बट ऑलरेडी मेरे पास है वो जो वाला, उसको अगर ये कटिंग प्लेयर उसको क्या बोलते हैं, नहीं मुझे याद, नाम याद नहीं आ रहा। ग्रैनी ना देखें, कैमरा तोड़ा मैंने, कैमरा नहीं देख रहा, कैमरा खैर होगा, कैमरा देखता रहे मुझे। ग्रैनी ने देख लिया, ग्रैनी ने देख लिया, ग्रैनी ने आ जाओ, ग्रैनी ऊपर आ जाओ, सब कौन से ऊपर आओ ग्रैनी। अरे नहीं, शिट यार, क्या मतलब क्या है, चलो कोई मसला नहीं। अरे ये कहाँ रखा हुआ है, ग्रैनी ने गलत जगह रखा हुआ, अब ध्यान से जाना है बिल्कुल, ताकि नीचे गिरूँ ना मैं, बहुत ध्यान से। ग्रैनी बिल्कुल नीचे है इस टाइम पे, पहले कैमरा तोड़ेंगे हम लोग, कैमरा गया, अंदर जाएंगे, कैमरा
देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ है, फेंक के देखो। नहीं टूट नहीं रहा, इसमें कुछ भी नहीं, खैर होगी। चलो खैर होगा, पहले अपनी वायर काटते हैं। यहाँ पे कटिंग प्लेट पड़ा हुआ है, कटिंग प्लेट नहीं बल्कि सॉरी क्या नाम है इसका, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है इसका यार। चेन कटर, चेन कटर से वायर काटेंगे। सबसे पहले अंदर कॉक व्हील छोटा सा पड़ा हुआ है, अंदर कॉक व्हील नहीं कुछ पड़ा भाई। ये ऐसा लगेगा वहाँ पे जहाँ पे स्पाइडर ग्रेनिंग है, ये वहाँ पे यूज होगा मेरे ख्याल से। ये ग्रेनिंग आ गई सही टाइम पे, मैं अंदर घुसा वैसे आपस की बात है, सही टाइम दैट इज़ द राइट टाइम। चलो नाइन ग्रेनिंग चली गई थी, हमने यहाँ से अपना उठा लिया। ये अब जाना पड़ेगा मेरे को डायरेक्ट नीचे अपना चेन कटर लेके, और ये आई थिंक सोचा मैं इसको यहीं से नीचे फेंक दूँ मैं, और चेन कटर को भी यहीं से फेंक दूँ। ग्रैनी अभी यहाँ से नीचे आ जाएंगी क्योंकि आवाज़ हुई है हल्की सी, इसलिए थोड़ा पीछे आ जाओ ताकि ग्रैनी नीचे जाएँ और हम यहाँ से आराम से उस तरफ चले जाएँ। ग्रैनी नहीं आ रही आई थिंक, आ गई ग्रैनी, देख लिया ग्रैनी देख लिया। खैर भाई हम यहाँ से बड़े नीचे भागेंगे, पहले चेन कटर लेके अपना यहाँ से हम जाएंगे अपना उस तरफ और जाएंगे नीचे डायरेक्ट, क्योंकि भैया ग्रैनी आ रही पीछे, ग्रैनी आ रही हैं, ग्रैनी आ रही हैं। वो मैं बात उठाऊंगा, पहले मैं इसको नीचे फेंक दूँ या अंदर चले जाऊँ क्या नीचे। चलो अंदर चलते हैं। खैर भाई अब जहाँ से डर जाना पड़ेगा मुझे, ये यहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं और हर गली में अलग ही नया सा है, इसलिए यहाँ से निकलेंगे बड़े सुकून से। बोर्डिंग को चाहिए आगे काइंड ऑफ लीवर बोर्डिंग का वो आएगा, अब पता नहीं बोर्डिंग स्टिक कहाँ रखी होगी। बोर्डिंग स्टिक भी चाहिए मेरे को और चाबी भी चाहिए, रस्ट रस्टिंग की चाहिए। और यहाँ पे आई थिंक टेस्टर से काम है, ये जो पिलर पे यहाँ पिलर से टेस्टर से कुछ ना लगेगा, आई मीन टेस्टर से खुलेगा अंदर कुछ कितना कुछ सामान दे देगा ये, ऐसी बात है। अभी कोई भी नहीं आ रहा, भागना पड़ेगा फटाफट, भागो। अरे ये रहा नहीं, ये इंजन पार्ट, इंजन पार्ट मिला मेरे को, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ मिली है मेरे को। स्पार्टर ग्रैनी नहीं आ रही, स्पार्टर ग्रैनी यहाँ नहीं है, स्पार्टर ग्रैनी नहीं है, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ। इसे मैंने हल्का सा पैर देखा मैंने, अभी यहाँ पर ही आएगी, यहीं पर आएगी, इसलिए मैं इंजन पार्ट लगाते हैं अपना। बाई चांस मैं अंदर आ गया ना, मेरा मूड था कि इसको यहीं से पैक के वापस चले आऊँ और सामान वहाँ से ले आऊँ मैं, बट चलो अगेन वी गो, हम दोबारा जाएंगे क्योंकि अभी हमारा एक पर एक वो पड़ा हुआ है, ब्रिंच पड़ा हुआ है, ब्रिंच है पता नहीं क्या ना, आई थिंक ब्रिंच ही है, वो लेके जाना पड़ेगा नीचे, वो एक जगह पर लगेगा वो इतना मेरे को। ये और ग्रैनी सही टाइम पर भागाऊँ ग्रैनी से, ये रखा हुआ है ब्रिंच, व्हील 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 मिल चुका है, व्हील नाम है इसका बाय द वे, हमने गलत बोला याद कर। अच्छा मुझे मालूम था कहाँ लगेगा ये, अब ढूंढना पड़ेगा इसकी जगह सही लोकेशन, क्योंकि भूल भी लीजिए यार नहीं मिलती है, बट चलो खैर हो गई हम फिर भी ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। ये रहा नहीं ये तो नहीं है, बल्कि इसी तरह की जगह है, वो भी इसी तरह की सेम लोकेशन है। यहाँ क्या है, ये क्या है, मीट मीट मीट, मुझे पता है मीट का यूज़ होगा, मीट जाएगा डायरेक्ट, इसको मैं फेंकूँगा यहाँ से डायरेक्ट बाहर ताकि हमें आराम से मिल जाए मीट। अंदर कहाँ आ रहा है, अबे मकड़ी ना आ जाए यार, आवाज़ आ गई हल्की सी। नहीं चलो अच्छी बात है, इसको वहाँ फेंको अंदर, गेट ना जल्दी गिर यार, मीट को यहीं फेंक दूँ मैं ताकि भाई वापस आके ये जो उठा लूँ मैं मीट को, वरना कहाँ ढूंढता पड़ूंगा वापस, मुझे यहाँ आना पड़ेगा फिर ढूंढो, अगर ना मिला वो अलग बात है, क्योंकि ऐसा भी यहाँ पर है जो चीज़ें रखी होती वहाँ नहीं मिलती। चलो भाई वीर हमारा लग गया, वीर हमारा यहाँ ऑलमोस्ट फिट हो चुका है। अब इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं इसका क्या काम है, बट चलो लेट्स सी। अभी बहुत सारी जगह हैं जो जहाँ मुझे ढूंढना है सामान को। ये क्या है, इसके अंदर कुछ होगा, प्ले हाउस की बेहतरीन प्ले हाउस की भी काम की है, इसलिए इसको पहले रखना पड़ेगा मुझे किसी सेफ जगह पे जहाँ से मुझे आराम से मुझे प्ले हाउस की मिल जाए। इसको भी मैं यहीं फेंक देता हूँ मैं सामने, जहाँ मीट फेंका मैंने, ताकि आराम से दोनों चीज़ें मुझे ईजीली मुझे मिल जाए यहाँ से। लेट्स फाइंड समथिंग मोर थिंग्स, यहाँ भी बॉक्स नज़र आ रहा है मेरे को, इस बॉक्स में क्या है, लेट्स सी। कॉक व्हील,
हाँ इसके अंदर कॉक व्हील है। अब लिटरली मुझे मालूम नहीं कि आखिर इस कॉक व्हील का मतलब क्या है और कॉक व्हील से होता क्या है। चलो प्ले हाउस की हमारे पास है, प्ले हाउस खोलेंगे, कॉक व्हील लगा देंगे उसके अंदर। भाई इतना पता है भाई कॉक व्हील लगता है, क्योंकि पकड़ी जाती है वो भाई इसको लेके मैं बाहर जाता हूँ मैं, क्योंकि अब नीचे हमें पड़ी हुई हमारे पास चाबी भी है और मीट भी है। अब इन दोनों चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा मुझे पहले ऊपर। मीट जाता हूँ पहले, क्योंकि मीट खिलाऊंगा उसको, मुझे कुछ ना कुछ देगा वो मकड़ा, मकड़ी से मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आ जाओ मकड़ी रानी, आ जाओ मकड़ी जल की रानी है, मीट उसका पानी है। आराम से मुझे कहीं ना मुझे ना खा लेगी मकड़ी। उई उई भागती हुई, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, क्या मिला। अरे भाई पैडलॉक की, वो भी रस्सी की है। ये लगेगा नीचे जहाँ पे मैंने अपनी वो वायर काटी थी मैंने, क्या सॉरी वो क्या उसको बोलते हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कटिंग प्लेट नहीं सॉरी वो चेन काटी थी मैंने, वहीं पर ही रस्सी की लगेगी। जाना पड़ेगा मुझे फ़ौरन नीचे रस्सी की लगाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं इसको नीचे फेंकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास प्ले हाउस की पड़ी हुई है और पैडलॉक पड़ा हुआ है, मुझे इन दोनों को लगाना है। सॉरी मैं पैडलॉक बोल रहा हूँ, कॉक व्हील पड़ा हुआ है, कॉक व्हील मुझे फिट करना है अपनी जगह के ऊपर, उसके बाद जाऊँगा मैं नीचे। अब कहाँ गई वो कॉक व्हील और चाबी, अभी मुझे उसके जाना पड़ेगा नीचे। कॉक व्हील मैंने यहाँ फेंका हुआ था और वो नीचे पड़ा हुआ है हमारा, जो हमारी प्ले हाउस की है वो नीचे रखी हुई है। यहीं से चलना है नीचे, जाना यार क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहा है नीचे ये। अब हाथ से लड़ना पड़ता है बेटा, ऐसी बात नहीं है। नाउ लेट्स फाइंड आउट, यहाँ से आई थिंक भाग जाऊँगा तो इधर पड़ा हुआ हो कोने पर ही ऐसी होगी। चमक आ रही है, चमक क्यों नहीं आ रही वे, और कहाँ गया वे, सॉरी यहाँ पर है। नाउ लेट्स गो, हम ट्रांजेक्शन चेक करो कैसे पहुँचा मैं यहाँ पे। चलो बैठना पड़ेगा आई थिंक मेरे को यहाँ पे, हाँ बैठना ही पड़ेगा। अरे निकल गया, चलो कॉक व्हील लाओ, कॉक व्हील आ जाए जल्दी से, बस ग्रनी आए, कॉक व्हील फिट करें यहाँ पे। अभी एक ही कॉक व्हील लगाया मैंने यहाँ पे, और भी कॉक व्हील यहाँ पर आएंगे। अब आई डोंट नो, आवाज़ कर दो किसी तरह ग्रनी बाहर आए और मैं आज अंदर कूद जाऊँ। आ जाओ ग्रनी, ग्रनी आती होंगी, मैं आज अंदर फरार। हाँ ग्रनी ये खड़ी नहीं, ग्रनी मुझे देखा ही नहीं, ग्रनी सुन फ्लैट है हमारी यार। अब नाउ आई थिंक गो इन बेसमेंट, मुझे बेसमेंट में जाना चाहिए। अब मैं बेसमेंट में जाता हूँ, और ये कहाँ लगाया हुआ ग्रनी ने, और ये सही ग्रनी बहुत शातिर, बहुत हार्ड ग्रेनी, बहुत हार्ड। चलो मेरा भाई बैठ के जाना पड़ेगा हम वापस नीचे। देखो नीचे भी बहुत सारी जगह हैं जो मैंने अभी तक ढूंढी नहीं है, वहाँ मुझे और भी कुछ चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, बट उससे पहले मुझे लगानी अपनी रस्सी की, वरना ये अगर आगे पीछे होगी तो बहुत मसला हो जाएगा मेरे लिए। रस्सी की तो लग जाएगी हमारी, हम पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ मुझे दो चीज़ें और चाहिए हमारी, बल्कि चाबी हमारी हो चुकी है यहाँ पे लगना, हाँ ये लग गई हमारी। अब मुझे चाहिए यहाँ पे वुडन का, वुडन स्टिक जो इसको घुमाए। अब मुझे नहीं मालूम यहाँ से क्या होगा, बट कुछ ना कुछ तो यहाँ से मुझे मिलेगा, इतना मुझे कन्फर्म है। कोई नहीं यार मुझे भागना पड़ेगा, मुझे ढूंढनी बस एक चीज़ मुझे ढूंढने वाली है, वो है वुडन स्टिक। बहुत देर मुझे ढूंढने के बाद नीचे मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा डायरेक्ट बाहर ही। बाहर क्या पता मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाए। अगर मुझे अब बस चाहिए खाली एक वुडन स्टिक, अगर वो मुझे मिल जाए तो शायद वहाँ से उस गेट से मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। यहाँ की चाहिए पैडलॉक की, चाहिए पैडलॉक की मेबर नहीं है अभी, पैडलॉक की ढूंढनी पड़ेगी। इंजन पार्ट चाहिए, गैसोलीन हमारे पास आ गई है, गैसोलीन भी इधर है, इधर यहाँ क्या कुछ रखा हुआ है, नहीं यहाँ भी कुछ नहीं रखा हुआ। मुझे भी ब्रेंच चाहिए ताकि मैं इंजन पार्ट को मैं टाइट कर सकूँ। कार की से मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है, बट कार की अभी तक मेरे पास नहीं आई। स्टार्ट करो, नहीं स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, खैर बाहर आ जाओ, इससे पहले ग्रहणी है, शायद ग्रनी सो रही हैं, ग्रनी आ नहीं रही हैं, इसलिए खैर हो गई। हम जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से ऊपर, ऊपर भी कुछ बॉक्सेस वगैरह हैं जो मुझे ढूंढने पड़ेंगे जो किचन के पास है, क्योंकि इनमें भी मैंने छाटी नहीं मारा। इसके अंदर क्या है, लेट्स सी, खाली है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, इसमें भी कुछ नहीं है इसके अंदर, यह इसके अंदर भी कुछ नहीं मिला इसके अंदर। ग्रनी नहीं आ रही अभी, मैं और टाइम है ढूंढने के लिए, नहीं मिल रहा यार, क्यों नहीं यार कुछ, ग्रनी काहे नहीं रखते है यार, नहीं मिला, नथिंग फाउंड, समथिंग एल्स। ग्रनी है नहीं, ग्रनी नहीं है, अभी ये ग्रनी आज ग्रनी है, रो गई यार, चीज़ें ढूंढनी है, चीज़ें नहीं मिल रही मेरे को, बस मैं अपने हदफ से थोड़ा सा दूर हूँ। पीस ऑफ पेंटिंग, चलो पीस ऑफ पेंटिंग लगा देते हम लोग, ताकि जब हम यहाँ से जाएँ तो ग्रनी को एक गिफ्ट मिल जाए हमारी तरफ से, ग्रनी खुश हो जाए। बहुत करीब आ गई भाई साहब, बहुत करीब आ गई ग्रनी, बचत
ग्रैनी देखो हम आप कितना सोचते हैं, हम आपके लिए पीस ऑफ पेंटिंग छोड़ के जा रहे हैं। देखो पूरी कंप्लीट हो गई अपनी पेंटिंग यहाँ पे, अब देखो खुश हो जाना, नाराज मत होना हमारे से आप। चलो 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 चलो, और चीज़ें ढूंढनी यार अभी, और चीज़ें मिल जाए ना, बस थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं जो अभी चाहिए मेरे को, दिखने को बहुत कम चीज़ें बट चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं जो भी चाहिए मेरे को। इसके अंदर क्या है? अरे वाह अरे वाह अरे 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 अरे, शॉर्ट गन का पार्ट मुझे मिल गया है, शॉर्ट गन पार्ट। ग्रैनी को भी देखो किस तरह मैं हलाक करता हूँ मैं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। कहें ग्रैनी? नहीं ग्रैनी नहीं, यहाँ पे लगा दो पीस ऑफ गन, हमारी गन रेडी है, शॉर्ट गन हमारी। लाओ बेटा, यार ये गलत बात है वैसे, इसके आपस की बात है, इसमें खाली एक ही गोली आती है, दो गोलियाँ नहीं आती। अब अगर पीछे कोई बंदा आ जाए अब उसे कैसे मारे? आई मीन कि अगर एक गोली मिस हो जाए आपकी, दूसरी गोली मारनी है, फिर आप दोबारा भागो गोली लेने के लिए, फिर आप आओ, इतने में ग्रैनी आपको पकड़ ले। चलो खैर हो गई यार, एक मिनट। आई नो वेयर आई यूज, क्योंकि जब मैं हम ऊपर जाते हैं तो सामने कुछ चीज़ रोशनी दे रही होती है मेरे को, कुछ चमक रहा होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ होगा। आई थिंक मैं अगर इससे शूट करता हूँ वो चीज़ नीचे आगे गिरे तो उसमें भी मुझे कुछ ना कुछ मिल सकता है। ये सामने ये ग्रैनी, अभी ग्रैनी को मार दो। बेहतरीन। ये मैं बाद अब गोलियाँ लाता हूँ, पहले गोलियाँ मुझे यहीं कहीं मिल जाएंगी, हो सकता है मिल सकती हैं गोलियाँ मुझे, ये भी गोलियाँ। जल्दी लगना यार, जल्दी ग्रैनी उड़ जाएंगी यार। चलो खैर भाई आ गई, इसमें भी कुछ ना कुछ है मेरे ख्याल से, ये हमें क्या फेंकेगा, लेट्स सी। मारो फायर इसके ऊपर से, आया क्या इसके अंदर? पेचकस, स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर, उर्दू में पेचकस। ये नीचे आई थिंक यूज़ कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, और जो बिल्कुल नीचे जो है जहाँ पे हमारा वो पड़ा हुआ था चक्री गोल घुमाने वाली, वहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। पहले मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ, यहाँ पे क्या मुझे मिलता है, लेट्स सी। खुल जा, सेम पार्ट 1 पार्ट 2। कार की, अरे बेहतरीन भाई साहब, कार की चाबी मुझे मिल गई है, कार की चाबी। अब लेट्स सी कार की मुझे क्या देती है, क्या दिए ये? अरे बर्ड सीट दिए यार। चलो बर्ड सीट भी है मेरे पास, एक वहाँ से चाबी थी आई थिंक, पैडलॉक की थी वो भी। अब पैडलॉक की कौन सी पैडलॉक की तो मुझे मालूम नहीं, लेट्स सी। फिर भी फ्यूल मेरा हो जाए फुल, उसके बाद जाता हूँ डायरेक्ट ऊपर, काओ वो सीट देता हूँ मुझे, फिर पैडलॉक की देगी वो, लेट्स गो ऑन। आ गए हम काओ के पास, कहें पहले डालो बर्ड सीट डालो ताकि बर्ड खा ले हमारी काओ। मास्टर की कहाँ यूज होगी यार ये, मास्टर की नहीं मालूम नहीं, मास्टर की कहाँ यूज होगी। चलो इसको मैं यहीं फेंक दूंगा अभी आसपास ही कहीं, क्योंकि अभी मालूम नहीं मुझे इसका कहाँ यूज़ करना है इसको। बट वी नो वेयर आई यूज स्क्रू ड्राइवर, पहले हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और भागेंगे फौरन नीचे, क्योंकि वहाँ भी अभी 4 स्क्रू और हमें खोलने पड़ेंगे और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा। अब लेट्स सी कि हमें यहाँ क्या मिलता है भाईजान। ये रहे 4 स्क्रू, पहला खोलो सेम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेम, पार्ट 4 सेम। खुल जा, क्या मिला? सेफ की भी अच्छा है, सेफ की यहाँ नहीं लगेगी, सेफ की ऊपर लगेगी, ये सेफ की ऊपर लगाएंगे जहाँ हमारी वो कार पार्किंग से ऊपर वाला जो लॉट था उस जगह पे सेफ की लगेगी ये, इतना मुझे याद है। अरे 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 स्पाइडर ग्रैनी से बचना पड़ेगा मेरे को, बच के जाना पड़ेगा स्पाइडर ग्रैनी से। नहीं यहाँ जाता हूँ, ये सबसे अच्छी प्लेस है छुपने के लिए, स्पाइडर ग्रैनी मुझे पकड़ने के लिए आएंगे, मैं यहाँ से वापस फरार हो जाऊँगा। अब स्पाइडर ग्रैनी कहाँ है दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, स्पाइडर ग्रैनी। अरे भाई साहब कहाँ से बचत। यहाँ से वापस जाता हूँ मैं, उस तरीके से आता हूँ मैं ताकि स्पाइडर ग्रैनी मुझे देखें और इस साइड भागती भी आ जाए। आ जाओ स्पाइडर ग्रैनी, नहीं आ रही स्पाइडर ग्रैनी। आ जाओ स्पाइडर ग्रैनी आते नहीं आ रहा वो ऊपर से लगेगी सेफ की, आई थिंक यहीं पर लगेगी, हाँ यहीं पर ही लगेगी सेफ की। ये रहा सेफ, ये देखिए। अरे भाई साहब मिल गया, आज मेरा दिन चल रहा है वैसे आपस की बात है। स्टिक मिल चुकी है, स्टिक लगानी पड़ेगी मेरे को नीचे,
उसी में उसी जो वो जो है क्या नाम उसका यार, वही गृहणी आ गई बच्चे तो भाई मेरा मेरे मुँह में शब्द नहीं आ रहे उस टाइम, मुझे सब कुछ मिल रहा है अपने आप, मुझे सब कुछ सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। आज इंशाल्लाह हमारा होने वाला है मेरे ख्याल से मिशन कम्प्लीट। गृहणी यहाँ से ऊपर आएंगे, शोर आ गया यहाँ पे और मैं भागता हूँ फटाफट नीचे। गृहणी बोरी गृहणी खड़ी नहीं, गृहणी गई, जाना पड़ेगा मेरे को नीचे नीचे नीचे। बचते बचाते नीचे आ गए हम लोग भैया जी। चलो भैया मकड़ी से बचना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, डे फोर चल रहा है यहाँ पे हमारा, बहुत ख़तरनाक लास्ट डे हमारे पास। और एक गृहणी, नहीं 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 नहीं, चलो 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 बिस्मिल्लाह, हमारी लास्ट चीज़ है ये। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से, कुछ तो मिलेगा अच्छा मिलेगा बस। जैसे पार्ट वन आ रहा, ये क्या रास्ता है वे भाई साहब, ये तो बाहर जाने का रास्ता है। ओ मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, मतलब मैं समझा मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें मिलेंगी। यार ग्रैनी, दोनों ग्रैनी परेशान है, स्पाइडर ग्रैनी भी और ग्रैनी भी। बाकी भाई मज़ा बहुत आया, गेम खेलेगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मिशन में। बहुत कोशिश करी थी मैंने, बहुत टाइम बाद मेरा मिशन कम्प्लीट हो गया। बाकी शुक्रिया देखने का, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।